ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज फूलबाग मैदान में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, फिर वहां से मोती महल में संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपकर उनके पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और यदि शासन द्वारा हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो 13 जुलाई को जिले के सभी संचालक साथी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को अपने अपने विद्यालय की सांकेतिक तौर पर चाबी सौंप देंगे और उनके पश्चात विद्यालय के छात्रों एवं स्टाफ की समस्त जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। आज सामूहिक तौर पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं। हम विगत 1.5 वर्षों से विद्यालय बंद करके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर से मुख्यमंत्री का बड़ा ही हास्यास्पद बयान आया है कि तीसरी लहर के समाप्त होने तक विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। मेरा निवेदन पूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको ये पता है कि तीसरी लहर कब आएगी? मेरी जानकारी में तीसरी लहर 2024 में आ रही है, तो क्या वो 2024 तक विद्यालय नहीं खोलेंगे? अगर उनको पता है कि तीसरी लहर इस महीने में आ रही है तो कृपया वो स्पष्ट करें कि तीसरी लहर कब आएगी। उसके ऊपर से हम लोगों के ऊपर इतने बोझ हैं, स्टाफ का पेमेंट है, कर्मचारियों का पेमेंट है, विद्यालय में पालक फीस नहीं दे रहे हैं, उसको हम संकट को झेल रहे हैं जैसे तैसे। ऊपर से कहीं छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच के नाम पर हमको परेशान किया जा रहा है। मान्यता की मांग कर रहे हैं तो मान्यता भी आप 1-1 साल की दे रहे हैं, आप 5 साल की हमको मान्यता दें। किसी भी प्रकार की हमारी शासन सुध नहीं ले रहा है, इसलिए शासन को जगाने के लिए हम ये 2 दिन का प्रयास कर रहे हैं। अगर शासन नहीं जागता है, सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, विभाग हमारी बात को नहीं सुनता है, तो निश्चित है हम आगे की रणनीति पर काम करेंगे। सोहन साहब, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि स्कूल नहीं तो फीस, इस पर आपको क्या? हाँ बिल्कुल, अगर वो कहते कि स्कूल नहीं तो फीस नहीं, स्कूल कहाँ नहीं, स्कूल तो है ना, स्कूल अपनी जगह मौजूद है। केवल ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन के लिए तो फिर सरकार ये तय करे, सरकारी हमारी यही तो मांग है ना, सरकार ये दिशा निर्देश तय कर दे कि साहब ऑनलाइन पढ़ाने के बाद में आपको फीस नहीं मिलेगी। भाई पालक एसोसिएशन क्या कहता है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जो हम तो सिर्फ बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा छात्र इस सामाजिक भागदौड़ में कहीं पीछे न रह जाए इस कोविड काल में। जो हम उनकी चिंता कर रहे हैं, हम उनको ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो माध्यम होते हैं, हमारे जितने साथीगण यहाँ मौजूद हैं सभी लोग हर स्तर पर अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमको फीस नहीं मिला तो हमारे हम लोग खुद हमारे परिवार हैं हमारे ऊपर, हर विद्यालय में 10-20-50 स्टाफ जो कार्यरत है वो उनके परिवार हैं, हम लोग बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं भुखमरी की स्थिति में। जो सर कम से कम आप हमारी सुनिए तो, हमको बैठाल के बात तो कीजिए, हम इतना चाहते हैं बस। जो आज क्या किस तरह रणनीति आपने पूरी बनाई है? आज हम लोगों ने माननीय कमिश्नर महोदय को और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने का, हमारा पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी के आह्वान पर हम पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं एक साथ। और उसके बाद में अगर आज शाम तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कल हम सभी अपने अपने विद्यालयों की चाबी माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप देंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे छात्रों की चिंता करने का कार्य भी अब आपका होगा और हमारे स्टाफ और हमारे कर्मचारियों की चिंता करने का, उनको तनख्वाह देने का कार्य भी आपका होगा, उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।